तो मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी के तीखे हमले की खबर से। सुल्तानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी पर बहन प्रियंका गांधी ने सबसे बड़ा सियासी हमला किया है। प्रियंका ने कहा है कि मेरा भाई गलत रास्ते पर चला गया है, उसे सुल्तानपुर की जनता सही रास्ते पर लाएगी। प्रियंका गांधी सुल्तानपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार अमिता सिंह के लिए प्रचार करने गई थी। प्रियंका, आपको ये गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव। वो हमारे परिवार के जरूर है, मेरे भाई है, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। एक बहन का एक भाई के लिए ऐसा प्यार आपने आज तक नहीं देखा होगा। सियासत में बहन और भाई के मोहब्बत की ऐसी मिसाल आज तक नहीं देखी होगी। अमेठी में अपने भाई की जीत पक्की करने के लिए रोड शो करके प्रियंका पड़ोस के जिले सुल्तानपुर पहुंची, तो भाई वरुण गांधी की हार हर हाल में पक्की हो इसके लिए कार्यकर्ताओं को जो सलाह दी वो सुनिए। कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक सही रास्ता दिखाता है। आप ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब एक परिवार का मर्दान सही रास्ता नहीं चुनता तो बड़े उसको बताते हैं, सिखाते हैं कि सही चीज क्या है। मैं ये अपेक्षा करती हूँ आपसे कि आप मेरे भाई को सही रास्ता दिखाएंगे। वरुण गांधी रास्ता भटक गए हैं। सुल्तानपुर की जनता उन्हें नेहरू गांधी परिवार का सदस्य समझ जिताने वाली है तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि वरुण गांधी रास्ता भटक गए हैं। प्रियंका ने अपने चचेरे भाई की तारीफ की या फिर उनकी हार पक्की करने के लिए कार्यकर्ताओं को नसीहत दी, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी के लिए हार का ठोकर तैयार करने के लिए कहा ताकि बीजेपी से सुल्तानपुर प्रत्याशी वरुण गांधी चुनाव में मात खा सके। आप इस बार अपने दिल से बोलते, अपने देश की एकता के लिए बोलते, सुल्तानपुर के लिए जरूर वोट दें, विकास के लिए दें, लेकिन अपने अंदर ये भी झांक के देखें कि ये कैसा चुनाव है इसका। इस बार सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे देश के बारे में सोचिए और एकदम विवेकी से अपने ही परिवार के सदस्य को सही रास्ता दिखाने के लिए अपना वोट करें। शायद सियासत में पहली बार प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया हो। पहली बार अपने भाई वरुण के चुनावी क्षेत्र में जाकर कांग्रेस की जीत के लिए झंडा बुलंद किया हो। हालांकि वरुण गांधी ने कुछ दिनों पहले ही राहुल के अमेठी में किए कामों की तारीफ कर परिवार से नजदीकियों की हवा उड़ाई थी, मगर वो बात आई गई हो गई। अब प्रियंका ने वरुण को रास्ते से भटका हुआ बताकर नई बहस छेड़ दी है। कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव। वो हमारे परिवार के जरूर है, मेरे भाई है, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। सुल्तानपुर कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस ने यहाँ से मौजूदा सांसद संजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया है। प्रियंका गांधी के सुल्तानपुर आकर प्रचार करने से संजय सिंह को लग रहा है कि उनकी पत्नी की जीत अब पक्की है। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह से आह्वान चला रही है इस चुनाव को जीतने के लिए, और पूरे देश में अगर हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आने वाली 14 के चुनाव में हो तो सुल्तानपुर भी उसमें अपना अगुवाई दे, ऐसा सभी लीडर चाहते हैं। कि उन्होंने साफ कहा कि जहां पर भी देश में कांग्रेस लड़ रही है हम जीतना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे सब कुछ क्लियर है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सुल्तानपुर में आकर प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार का नया मोर्चा खोल दिया है। माना जा रहा है कि मेनका गांधी का सोनिया गांधी पर खुलकर बयान देने के बाद अब रिश्तों की खाई और चौड़ी हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने वरुण के लिए बयान भले शालीनता के साथ दिया हो, मगर संदेश साफ है, भाई होने का मतलब जीत की गारंटी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। खबर अमेठी से, जहां पर राहुल गांधी का मेगा रोड शो देखकर कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने दावा किया है कि रोड शो के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा है कि उनकी वजह से राहुल को अमेठी में रोड शो करना पड़ा। अमेठी में नामांकन के वक्त राहुल गांधी के रोड शो में गुलाब की पंखुड़ियां भले ही बता रही हो कि रास्ता फूलों भरा हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार अमेठी की लड़ाई में राहुल की राह में कांटे भी हैं।
अमेठी में इस बार राहुल के मुकाबले टेलीविजन की बहू हैं, तो एक कभी भी झाड़ू लिए राहुल की राह से गुलाब की पंखुड़ियां हटा रहा है। राहुल रोड शो कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी सूरज ढलने के बाद नुक्कड़ सभाएं कर मुकाबला दिलचस्प बना रही हैं। राहुल के रोड शो देख जहां कांग्रेस को लग रहा है कि मुकाबला आसान है, वहीं स्मृति ईरानी बता रही हैं कि उनकी वजह से राहुल को रोड शो करने की नौबत आ गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कभी रोड शो नहीं किया। 2014 के चुनाव में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा मात्र मेरे 5 दिन के प्रचार में। राहुल गांधी के रोड शो में पूरा परिवार था, लंबा चौड़ा काफिला था, हजारों की भीड़ थी, मगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास को लग रहा है कि ये सब गलत था, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। ये मुझे तो आश्चर्य है कि चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरा परिवार लगभग 200 गाड़ियों के कारवां लेकर आया। क्या उसका खर्चा जुड़ा है? पूरे गौरीगंज चौराहे पर बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग जुड़े हुए हैं। बहरहाल अमेठी में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, 7 मई को वोटिंग। राहुल ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखा दी है, तो मगर रोड शो को देख स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास का हौसला कम होता नहीं दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।